एचडीएफसी बैंक ने यहाँ शॉपर स्टॉप के साथ मिलकर यहाँ दो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स यहाँ लॉन्च कर दिए हैं, जिनमें से एक जो कि एंट्री लेवल का कार्ड है जो कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, दूसरा शॉपर स्टॉप ब्लैक क्रेडिट कार्ड है। तो शॉपर स्टॉप क्या है? ये एक ई कॉमर्स की यहाँ वेबसाइट है, जिस तरह से अमेजॉन फ्लिपकार्ट मिंत्रा जिस तरह से काम करती है, इसी प्रकार से यहाँ शॉपर स्टॉप यहाँ वर्क करती है। यानी कि यहाँ पे ढेरों सारे अलग अलग यहाँ ब्रांड्स होते हैं, वहाँ पे आपको उनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहाँ से आप ऑर्डर प्लेस करेंगे इस कार्ड से, शॉपर स्टॉप के एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से। तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेंगे या तो फिर ऑफलाइन स्टोर होते हैं वहाँ पे भी विजिट करके आप यहाँ जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं इस कार्ड से पेमेंट्स करेंगे तो आपको यहाँ अच्छा खासा रिवार्ड या कैशबैक मिलेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमित। इस वीडियो में हम जानेंगे जो एंट्री लेवल के कार्ड है जो कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, उसके चार्जेस के बारे में, इसके बेनिफिट्स, और हमें ये क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है, हमें अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कार्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री आपको ये मिल जाता है। वेलकम बेनिफिट की यहाँ बात करें तो ₹500 का डिस्काउंट वाचर यानी कि गिफ्ट वाचर आपको यहाँ मिल जाता है, साथ में इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री शॉपर स्टॉप का यहाँ मेंबरशिप भी आपको इस कार्ड में मिल जाता है। बात करेंगे रिवार्ड पॉइंट की, तो इस क्रेडिट कार्ड से यानी कि शॉपर स्टॉप के एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं शॉपर स्टॉप पे, या तो फिर इसके जो प्राइवेट ब्रांड्स होते हैं चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन स्टोर से यहाँ आप परचेस करते हैं, तो इस कार्ड से आपको ₹150 स्पेंडिंग करेंगे तो आपको 6 फर्स्ट सिटीजन रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा। यहाँ रिवार्ड पॉइंट की यहाँ अनलिमिटेड आपको नहीं मिलने वाला, इसकी कैपिंग रखी गई है, तो हर महीने या पर बिलिंग साइकिल में यहाँ आपको सिर्फ 500 रिवार्ड पॉइंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे रिवार्ड वैल्यू की भी यहाँ बात किया जाए तो यहाँ पे आपको अगर आप शॉपर स्टॉप में स्पेंडिंग करते हैं तो यहाँ 3.6% का आपको वैल्यू बैक आपको इस कार्ड से मिलेगा। वहीं हम शॉपर स्टॉप को छोड़ के यानी कि शॉपर स्टॉप के जितने भी प्राइवेट इसके अलग अलग ब्रांड्स होते हैं वहाँ स्पेंडिंग ना करके आप ऑल अदर कहीं पे भी चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन स्पेंडिंग करते हैं, ऑल अदर के स्पेंडिंग में आपको 1.2% का आपको वैल्यू बैक मिलता है। यानी कि ₹150 स्पेंडिंग करेंगे तो आपको 2 रिवार्ड पॉइंट आपको इस कार्ड से मिलेगा। रिवार्ड वैल्यू की यहाँ बात करेंगे तो एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू यहाँ 60 पैसे होती है। बात करेंगे माइलस्टोन बेनिफिट की, तो अगर आप एक साल में यहाँ 2 लाख या से ऊपर का स्पेंडिंग करते हैं तो यहाँ 2000 बोनस रिवार्ड पॉइंट आपको मिलेगा। तो इस जो भी बोनस रिवार्ड पॉइंट है इसको आप शॉपर स्टॉप में भी यहाँ इसको रिडीम कर सकते हैं। बात करेंगे एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की, तो इस कार्ड पे कोई भी एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस आपको नहीं मिलने वाला है। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको यहाँ जरूर मिल जाता है, लेकिन इसकी भी कैपिंग है, एक बिलिंग साइकिल में आपको 250 का ही यहाँ आपका कैपिंग रखा गया है। इससे ज़्यादा होता है तो आपको यहाँ फ्यूल सरचार्ज आपको पे करना होगा। फ्यूल के ट्रांजेक्शन और वॉलेट रीलोड में आपको यहाँ कोई भी रिवार्ड पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला है। बात करेंगे इसको अप्लाई कैसे करना है, तो फिलहाल मैं आज के डेट में यहाँ चेक किया हूँ तो HDFC के वेबसाइट में वहाँ कोई भी अप्लाई का ऑप्शन नहीं दिया गया है शॉपर स्टॉप के ये क्रेडिट कार्ड के लिए। तो हो सकता है अगर आप ऑनलाइन शॉपर स्टॉप में यहाँ ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं हो सकता है वहाँ से आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाए, कहीं ना कहीं से आपको इन्वाइट मिल जाए, तो आप वहाँ से इस कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं शॉपर स्टॉप के वेबसाइट से। दूसरा ऑप्शन है, हो सकता है आप जो है शॉपर स्टॉप के जो भी ऑफलाइन स्टोर होते हैं वहाँ से हो सकता है अप्लाई कर पाएंगे इसको ऑफलाइन, कहीं ना कहीं से वहाँ एजेंट के थ्रू हो सकता है आप अप्लाई कर पाएंगे। वैसे भी ये क्रेडिट कार्ड उन्हीं के लिए सूटेबल है जो कि ऑनलाइन जो या ऑफलाइन शॉपर स्टॉप में यहाँ स्पेंडिंग करते हैं, उनके लिए कार्ड ये डिज़ाइन किया गया है, उनके लिए उनको देख के ही ये कार्ड लॉन्च किया गया है। लेकिन यहाँ HDFC की यहाँ बात करेंगे तो यहाँ एक कस्टमर को सिर्फ एक ही कार्ड मिलते हैं, तो अगर आप आपके पास कोई भी HDFC का क्रेडिट कार्ड है अपग्रेड भी कराना चाहेंगे तो आपका पुराना कार्ड यहाँ बंद हो जाता है। तो ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। अगर आप हमारे हमें जो है 2 क्रेडिट कार्ड या 3 क्रेडिट कार्ड बाकी जैसे ICICI बैंक एक्सिस बैंक की तरह अगर मिल जाते तो इसको हम अपग्रेडेशन से ले सकते थे या अप्लाई करके भी ये दूसरा कार्ड HDFC का ले सकते थे, क्योंकि ये लाइफ टाइम फ्री है, वैसे भी चार्ज हमें इस कार्ड के लिए नहीं देना पड़ता। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि HDFC बैंक जो है एक कस्टमर को सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड इशू करती है, तो यहाँ पे कार्ड को अपग्रेड भी नहीं करा सकते क्योंकि पुराना कार्ड कोई अच्छा खासा HDFC का यहाँ कार्ड होगा वो कार्ड बंद हो जाएगा। तो अगर आप शॉपर स्टॉप में ही यहाँ ज़्यादातर ऑनलाइन स्पेंडिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं चाहे ऑफलाइन यहाँ स्पेंडिंग करते हैं शॉपर स्टॉप के स्टोर में, तब जाके आप इस कार्ड को लीजिए, अदरवाइज़ ये कार्ड आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। आप जो है कोई भी HDFC का चाहे मिलेनिया चाहे कोई भी आपका मनी बैक प्लस वगैरह क्रेडिट कार्ड है HDFC का वो रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको जो ई कॉमर्स की साइट है वो तो यहाँ काम करेगा ही, साथ ही आप जो है नॉर्मल स्पेंडिंग भी करेंगे तो आपको अच्छा खासा उसमें कैशबैक या रिवार्ड्स भी मिलता है।
तो मेरे हिसाब से कोई खास ये क्रेडिट कार्ड नहीं लगा। तो आपको कैसा लगा ये क्रेडिट कार्ड नीचे कमेंट्स करके आप जरूर बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।